हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। तो स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। हरे कृष्णा हरे कृष्ण मातरी, हरे कृष्णा दीक्षा, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो कल के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि जो कृष्ण है जब वो गौएं चराने के लिए जाते हैं तो गोपियां निरंतर उनके ही विषय में चिंतन करती रहती हैं। तो गोपियां घरों में बैठे बैठे चर्चा कर रही हैं कि कृष्ण क्या क्या लीलाएं क्या क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली कि हे माता, जब आपका लाडला घर लौटता है तो वह कुंद कलियों की माला पहन लेता है और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। कृष्ण क्या करते हैं जब वो वन से लौट कर आते हैं? तो बहुत सुंदर सुंदर कलियों की फूलों की मालाएं पहने हुए होते हैं और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण जो है वहां पर वेणु अपनी बांसुरी को बजाते हैं। दक्षिण से बहने वाली बयार सुगंधित एवं शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमुदित करती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है उस समय जो भगवान लीलाएं कर रहे थे उस समय के जो वातावरण वगैरह उस सब का यहाँ पर वर्णन किया है और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं तथा अपनी दुंदुभी तथा बिगुल बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो भगवान जब लीलाएं इस प्रकार से पृथ्वी मंडल पे कर रहे थे भूमंडल पे कर रहे थे तो सारे देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व चारण जो भी जो छोटे मोटे सारे देवता हैं वो सभी क्या करते हैं अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, दुंदुभियां बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, कोई बिगुल बजा रहे हैं इस प्रकार से। तो कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रज भूमि के प्रति अत्यंत सदय हैं और जब वे अपनी गौओं तथा मित्रों समेत लौटकर आते हैं तो वे गोवर्धन धारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं। सब पूरा समझे हम इस बात को। तो यहाँ पर कृष्ण जब लीलाएं कर रहे थे तो उस सब के विषय में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य क्या स्तुति करते हैं शिव ब्रह्मा जैसे मुख्य देवता। ब्रह्मा क्या है और शिव क्या है? देवताओं के प्रमुख हैं। देवों के देव महादेव शिव जी को कहा जाता है, वो सर्वोच्च देव हैं। तब वो क्या स्तुति करते हैं कि कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था समुद्र मंथन में से ही चंद्रमा उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार से यहाँ कृष्ण को चंद्रमा की उपमा दी जा रही है और देवकी माता के गर्भ को समुद्र की उपमा दी जा रही है कि उस समुद्र से क्षीर सागर से तो ये चंद्रमा जो 15 दिन चमकता है 15 दिन बिल्कुल अस्त हो जाता है लेकिन ये जो चंद्रमा उदित हुआ है देवकी माता के गर्भ रूपी समुद्र से ये सदैव भक्तों के मन रूपी आकाश में चमकता रहता है, कभी अस्त नहीं होता है। जब वे सायंकाल लौटते हैं
तो वे थके से प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमुदित करने का प्रयत्न करते हैं। तो कृष्ण की उपस्थिति मात्र से ही ब्रजवासियों के मन में सब समय उल्लास भरा रहता था। कृष्ण वन में गऊ चराने जाते थे तो उनके प्रतीक्षा में दिन भर ब्रजवासियों की आंखें बिछी रहती थी। ये अवस्था थी ब्रजवासियों की। जब वे फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख स्वर्ण कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण सुंदर लगता है। वे हाथी जैसी चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष स्त्रियां तथा गौएं तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाते हैं। कृष्ण क्या है? अभी हमने कृष्ण को क्या उपमा दी? कृष्ण चंद्रमा के समान है। कृष्ण शीतलता प्रदान करते हैं। तो दिन भर की जो जलन, कृष्ण विरह जो सहन करते थे सारे ब्रजवासी, जैसे ही कृष्ण गौचारण करके लौटते हैं तो उन लोगों को जो है कृष्ण को देख करके, कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके शीतलता प्राप्त होती है। ऐसा कृष्ण का सौम्य स्वरूप है। कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का यह वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति में किया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कितने आकर्षक हैं, न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जड़ चेतन वस्तुओं के लिए। तो इस पूरे अध्याय में हमने यही चर्चा की कि केवल गोपियां नहीं, जो जड़ हैं, यानी कि वृक्ष, वृक्ष वल्लरियां, पत्थर, गोवर्धन, वो भी जो है कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित रहते हैं सब समय, क्योंकि कृष्ण इतने आकर्षक हैं, सर्वाकर्षक। कर्षति इति कृष्ण, उनका नाम ही है। तो हम आगे चर्चा करते हैं। वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल और हिरण तथा गौओं जैसे पशु भी सम्मिलित हैं। सबको ही कृष्ण से आकर्षित है वृंदावन में। बहुत प्रिय है सबके कृष्ण। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति, जड़ चेतन, ऐसा कुछ नहीं है वृंदावन में जो कृष्ण से आकर्षित ना हो। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहने का प्रयास करते हैं, उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। पिछले 2-3 दिन से हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि श्रीमद् महाप्रभु ने ये जो संकीर्तन आंदोलन दिया है, इसमें हमको उन्होंने किसका जो है अनुसरण करने के लिए कहा है? गोपियों का। जिस प्रकार से गोपियां सब समय कृष्ण विरह में हरे कृष्ण माता जी, हरे राम, राम राम, हरे हरे। नेटवर्क बहुत ही वीक है, इस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है जी माता जी। वही प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, हम फिर से शुरू करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमको भी गोपियों के समान अपनी स्थिति बनानी है, और यही शिक्षा हमको श्रीमन महाप्रभु दिए हैं। किस प्रकार से गोपियां सब समय कृष्ण के प्रति आकर्षित रहती हैं और कृष्ण चिंतन में ही सब समय व्यस्त रहती हैं। पिछले इस अध्याय को जब से शुरू किया है तब से मैं एक बात बार बार दोहरा रही हूं कि महाप्रभु ने हमको कहा है कि हमको भी इसी प्रकार से कृष्ण विरह का अनुभव करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम सब जीव कृष्ण से अनगिनत
दूरी पर है, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हम कृष्ण से कितना दूरी पर है, लेकिन फिर भी हमको कृष्ण का वो विरह अनुभव नहीं होता। और गोपियां निरंतर कृष्ण की सन्निधि में थी, वहां पर ब्रजमंडल में ही वे निवास करती थी, कृष्ण उनके आसपास आमने सामने ही रहते थे सब समय, फिर भी उनको निरंतर कृष्ण विरह का अनुभव होता था, जिसके कारण वे सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न रहती थी। तो हमको भी अपनी स्थिति ऐसी ही बनानी है, हमको कृष्ण का विरह अनुभव नहीं होता जबकि हम कृष्ण से इतना दूर हैं, हमको भी कृष्ण का विरह अनुभव होना चाहिए कि हमको कृष्ण से बिछड़े युग युगांतर बीत गए हैं। तो आगे हम, नेटवर्क बहुत ही खराब है, तो आगे हम देखते हैं, कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आज प्रभु जी कक्षा में बोल रहे थे, एक प्रश्न उन्होंने पूछा था आप सबसे कि हम कृष्ण का दर्शन किए हैं कि नहीं, तो नंद किशोरी माता जी, गीता माता जी, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी, प्रमोद प्रभु जी, सबने यही कहा था कि ये जो रोज आपके मुख से कथा सुन रहे हैं इसका मतलब हम रोज कृष्ण का दर्शन ही कर रहे हैं। तो यहां पर भी वही बात लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति यदि कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है तो क्या कर सकता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, दिन भर भगवान की लीलाओं को अपने कर्ण रंध्रों से अंदर उतार रहे हैं, तो उससे हमको क्या पता चल रहा है कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। और पहले भी इस बारे में बोला जा चुका है कि जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, उससे हमारा प्रेम, उससे हमारा संबंध स्थापित कैसे होगा। हम किसी रोड चलते से तो हमारा संबंध रहता नहीं, हमारे घर में जो व्यक्ति होते हैं उनसे हमारा संबंध होता है, क्योंकि हम उनको जानते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी, चाचा चाची, पति बच्चे, जो कुछ भी जानते हैं कि ये इनसे मेरा फलाना संबंध है, तब तो ना हम उनसे वो प्रेम, वो रेसिप्रोकेशन, वो प्रेम का विनिमय कर पाते हैं। जानने से, बिना जाने तो होगा नहीं। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि भगवान की लीलाओं के स्मरण मात्र से हम उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में किसी ना किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी ना किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो है प्रेम करना। क्यों है? क्योंकि हम कृष्ण का अंश हैं, ठीक है, और कृष्ण का अंश होने के नाते ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप है कि हम प्रेम करें, क्योंकि कृष्ण का अंश है हम। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है कि ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, कि प्रत्येक जीव मेरा अंश है। हाँ, तो प्रत्येक जीव मेरा अंश है, तो इसीलिए जो है जैसा भगवान का स्वभाव है उसका कुछ अंश हमारे भीतर भी तो आएगा ना। इसी प्रकार से हमारी भी प्रवृत्ति है प्रेम करने की, हम भी प्रेम करते हैं भगवान से। तो कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। आप लोग रोज भागवत कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, इस सब का लक्ष्य क्या है? इस सब का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम पाना। आप यहां पर इसलिए तो नहीं बैठे कि आप सामान्य विज्ञान की कक्षा ज्वाइन कर रहे हैं और यहां से आपको सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान कुछ प्राप्त होगा, नहीं। ये क्लास आप ज्वाइन करते हैं क्योंकि आपको यहां से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए ही तो हम ये सब सारे प्रयास कर रहे हैं, और हमारे इस जीवन का केंद्र बिंदु ही कृष्ण प्रेम पाना है।
निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। तो क्या क्या बातें लिखी यहाँ पर, भक्ति मार्ग में प्रगति करने के सूत्र यहाँ पर बता दिए हैं। कौन सा है पहला? निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। उसके पश्चात भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण अर्थात उनकी कथा को सुनना, कथाओं का अध्ययन करना, कथा सुनना, कथा सुनाना, ये करने मात्र से ही हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं और अपना जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय समाप्त होता है, मतलब ये अध्याय समाप्त होता है, क्लास समाप्त नहीं होता है। ये अध्याय जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा था, जिसका नाम था गोपियों को कृष्ण का वियोग, जिसको हम जानते हैं विरह गीत के नाम से भागवत में है, गोपियों का वियोग। अब जो अध्याय शुरू हो रहा है उसका नाम है श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना। हम सभी जानते हैं भगवान लगभग सारी लीलाएं ब्रज में पूरी कर चुके हैं, गोवर्धन उठाना, रास भी हो चुका है इस प्रकार से। तब आगे कह रहे हैं कि वृंदावन सदैव कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता था, सभी उनकी लीलाओं का स्मरण करते थे और सदैव दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहते थे। मतलब पूरे ब्रज के वासी नवदा भक्ति के एक एक मतलब अंग में डूबे हुए थे। क्या करते थे वो? दिन भर कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते थे एक दूसरे से। अरे जानते हो आज कृष्ण ने ये किया, पता है कृष्ण ने आज वो किया, इस प्रकार से श्रवण करते थे। कीर्तन नित्य कृष्ण की कीर्ति का बखान करते थे, आपस में कृष्ण लीलाओं का जो है आदान प्रदान करते थे। श्रवण कीर्तन स्मरण नित्य, एकांत में भी कभी कोई ब्रजवासी रहे तो कृष्ण की ही लीलाओं का स्मरण करता था। तो आगे कह रहे हैं कि किंतु यह भौतिक जगत इतना दूषित है कि असुर वृंदावन में भी वहां की शांति भंग करने का प्रयास करते रहते थे। हम सभी जानते हैं जब तक कृष्ण वृंदावन में थे कितने असुर आए। 6 दिन के कृष्ण है तब से ही लाइन लगना शुरू हो गई थी, पूतना, उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर और ना जाने कितने कितने। और अभी और भी भेजने हैं कंस को, केशी और अक्रूर, क्या बोलते हैं, अरिष्टासुर। तो एक बार अरिष्टासुर नामक एक असुर ने सांड के रूप में वृंदावन में प्रवेश किया। उनका शरीर और सींग अत्यंत विशाल थे, अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ वह वृंदावन में प्रविष्ट हुआ, अरिष्टासुर। जब उस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। उसने भयंकर गर्जना की और नदी के तट की भूमि को खोद डाला। अरिष्टासुर को भेजा है कंस ने और अरिष्टासुर जो है सींग अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता हुआ चला आ रहा है, सांड के रूप में आया है। तत्पश्चात उसने गांव के मुख्य भाग में प्रवेश किया। उस सांड की तीव्र भयानक गर्जना के कारण कुछ गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। देखिए कितना भयंकर असुर, ऐसी ऐसी शक्तियां। तो इससे हमको समझ में आना चाहिए कि भगवान से दो दो हाथ करने की सामर्थ्य भी कोई बड़े बड़े 30 मार्खाओं में रही होगी, हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं रहे होंगे वो। भगवान से जो युद्ध करें वो कोई साधारण असुर तो हो नहीं सकते, साधारण प्राणी तो हो नहीं सकते, बहुत बलशाली रहे होंगे। किंतु कितने भी बलशाली हो कृष्ण के आगे अधर्म नहीं टिकता। उसका शरीर अत्यंत विशाल पुष्ट और इतना बलशाली था कि उसके शरीर पर एक मेघ ऐसे मंडराने लगा जैसे मेघ पर्वत पर मंडराते हैं। अरिष्टासुर ने इतने भयानक रूप में वृंदावन में प्रवेश किया कि उसे देखने मात्र से सब नर नारी भयभीत हो गए और गायें व अन्य पशु ग्राम छोड़कर भाग गए।
स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई और वृंदावन के सब निवासी आर्तनाद कर उठे, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने गायों को भागते हुए देखा और तत्काल उत्तर दिया, डरो मत, डरो मत। फिर उन्होंने अरिष्टासुर के समक्ष उपस्थित होकर कहा, तुम जीवात्माओं में निकृष्टतम हो, तुम गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहे हो, तुम्हें इस कार्य से क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से कृष्ण यहाँ पर जो है अरिष्टासुर से युद्ध करने की शुरुआत हो रही है। यदि तुम मेरी सत्ता को चुनौती देने के लिए आए हो तो मैं तुमसे युद्ध करने को तैयार हूं, तत्पर हूं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस असुर को चुनौती दी। तो कृष्ण यहां पर जो है अरिष्टासुर को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण ने असुर को चुनौती दी। उनके इन शब्दों को सुनकर वह असुर अत्यंत क्रोधित उठा। श्री कृष्ण अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर उस सांड के सामने खड़े थे। क्रोधित सांड श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। अपने खुरों से धरती खोदते हुए अरिष्टासुर ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेघ उसकी पूंछ पर मंडरा रहे हों। उसके नेत्र लाल थे और क्रोध में इधर उधर घूम रहे थे। अपने सींगों को श्री कृष्ण की ओर करके उसने इंद्र के वज्र की भांति उन पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण तत्काल ही उसके सींग पकड़कर उसको उठाकर दूर फेंक दिए। और जैसे एक विशालकाय हाथी एक लघु विरोधी हाथी को दूर फेंक देता है, यद्यपि असुर अत्यंत थका प्रतीत होता था और पसीने से लथपथ था, फिर भी वह साहस करके उठा। कृष्ण जो है अरिष्टासुर को उठा के उसके सींगों से उसको पकड़ा। भगवान ने उसको पकड़ के घुमाया और दूर फेंक दिया, लेकिन वो फिर उठ खड़ा हुआ। तो आप समझ सकते हो कितना भयंकर राक्षस रहा होगा। उसने अत्यधिक क्रुद्ध होकर पुनः श्री कृष्ण पे अत्यंत वेग से आक्रमण किया। श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए वह दीर्घ श्वासे ले रहा था। श्री कृष्ण ने पुनः उसके सींगों को पकड़ लिया और तत्काल उसे धरती पर पटक दिया, जिससे उसके सींग टूट गए। तदुपरांत श्री कृष्ण उसके शरीर पर इस प्रकार पदाघात करने लगे जैसे कोई गीले वस्त्र को धरती पर निचोड़े। तो पूरा यहाँ पर कृष्ण जो है अरिष्टासुर से किस प्रकार उनका वध युद्ध हुआ, अरिष्टासुर का वध किस प्रकार भगवान की उस लीला का यहाँ पर वर्णन है। और इस प्रकार से अरिष्टासुर की जीवन लीला को भगवान ने समाप्त कर दिया। इस आश्चर्यजनक उपलब्धि के लिए देवगण स्वर्गलोक से कृष्ण पर पुष्प वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण पहले से ही वृंदावन निवासियों के सर्वस्व थे। सांड रूपी इस असुर का युद्ध करने उद्धार करने के पश्चात वे सबकी आंखों का तारा बन गए। विजय पाने के बाद उन्होंने बलराम सहित ग्राम में प्रवेश किया। नगर ग्राम वासियों ने अत्यंत आनंद पूर्वक उनका और बलराम जी का यशगान किया। किसी के द्वारा कोई आश्चर्यजनक कार्य संपादित करने पर उनके बंधु बांधव संबंधी और मित्र स्वाभाविक रूप से अत्यंत हर्षित होते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण किस प्रकार से जो है उसका उद्धार किए राक्षस का, वही वर्णन है। अब आगे क्या होता है, इस घटना के पश्चात ही नारद मुनि ने कंस पर श्री कृष्ण का रहस्य उद्घाटन कर दिया। यहाँ पर नारद जी को चिंता हो गई कि भगवान तो है जो वृंदावन में ही लीलाएं किए जा रहे हैं, कब मथुरा आएंगे, कब कंस का जो है उद्धार करेंगे और कब पूरी मथुरा को कंस से मुक्ति मिलेगी, भगवान तो मथुरा ही नहीं आ रहे। तो नारद जी ने क्या कि असल में नारद जी क्या है, भगवान की लीलाओं का सूत्रपात करते हैं। सूत्रपात करने का मतलब भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो सिनेरियो तैयार करते हैं, भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है पथ तैयार कर देते हैं। किंतु ये जो सीरियल्स हैं, मिस पता नहीं क्यों नारद जी को इस प्रकार से हास्यास्पद बताया जाता है कि वो बहुत ही कोई कॉमिक कैरेक्टर है या इस प्रकार से उनको बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी जो है बहुत ही विशिष्ट भक्त है भगवान के, और भगवान की लीला में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है सब समय। तो नारद जी कंस के पास आए हैं और कंस को बोलने लगे कि क्या बात है राजन, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। बोले हाँ क्या करूं,
बोले वो वृंदावन में वो नंद बाबा का जो लड़का है उसने बहुत परेशान किया हुआ है, मैं जितने भी यहाँ से जो है दैत्य और राक्षस भेजता हूँ सबको मार मार के उसने सबको परास्त कर दिया, सबको मार डाला। तो बोले आपको पता नहीं है आपसे कितना बड़ा झूठ बोला है वसुदेव जी ने। बोले अच्छा क्या बोला है। बोले अरे देखो वसुदेव जी ने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई, वो जो रोहिणी का बेटा है ना बलराम, वो भी वसुदेव जी का ही बेटा है, वो सातवा गर्भ है देवकी का, और जो वो नंद बाबा का पुत्र बना फिरता है कृष्ण, वो असल में देवकी का आठवा गर्भ है, वही देवकी का आठवा पुत्र है तुम्हारा काल कृष्ण। इतनी बड़ी सच्चाई तुमसे जो है वसुदेव जी ने छुपाई थी। बोले अच्छा। बोले मैं तो जो है इतनी बार राक्षस भेजा हूं लेकिन अभी तक कोई भी जीवित नहीं आया, सब सबके सब मर गए। तो बोले एक बार और मैं प्रयास करके देख लेता हूं। तो बोले ठीक है एक बार और प्रयास करके देख लो। तो उसने आखिरी एक और दांव खेला, केशी नाम का राक्षस भेजा। वृंदावन परिक्रमा में आता है केशी घाट। तो केशी नाम के राक्षस को और भेजा है कंस ने। तो नारद जी ने बोला अरे एक काम करो ना, ये राक्षस भेज भेज के यदि वो नहीं मार पा रहा है तो एक काम करो, वो तो छोटे बच्चे हैं उनको एक काम करो, मथुरा में तुम मेला आयोजन करो, मेले का आयोजन करो और यहां पर उनको बुलाओ सारे ग्वाल बाल सबको, कृष्ण को मेला दिखाने के बहाने से वो जो हाथी है तुम्हारा कुलिया पीड़ उसके पैरों के तले जो है कुचलवा के मरवा देना उन दोनों भाइयों को, बस हो जाएगा काम खत्म। हम तो यही चाहते हैं राजन कि आप बिल्कुल जो है सुखी रहें। नारद जी यहाँ पर थोड़ा सा कंस को मक्खन लगा रहे हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ाई कर रहे हैं उसकी। बोले राजन हम तो यही चाहते हैं कि आप सुखी रहें, तो आप बुलाओ उन दोनों भैयाओं को यहाँ पर और हाथी से कुचलवा के मरवा देना, हो जाएगा आपका काम खत्म, आपकी सारी चिंता मिट जाएगी। बोले हाँ नारद जी बात तो आपने अच्छी कही, आप तो मेरे सच में आप मेरा बहुत भला चाहते हैं। तो नारद जी बोलते हैं बिल्कुल मैं तुम्हारा पूरा कल्याण करके ही दम लूंगा, तुम्हारा पूरा कल्याण मैं करवा के ही रहूंगा। तो इस प्रकार से नारद जी बोलते हैं। और नारद जी का एक विशेषण है नारदो देव दर्शन, यानी कि जिसको नारद जी मिले हैं देव दर्शन से, मतलब यहाँ पे देवता इंद्र ब्रह्मा शिव की बात नहीं कह रहे हैं, देव दर्शन है यानी कि कृष्ण का दर्शन भगवान का दर्शन उसको होगा ही, जिसको नारद जी मिले हैं उसको भगवान मिलेंगे ही, ये निश्चित तौर पे आप मान लीजिए। कितने ही उदाहरण हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, नारद जी जिन जिनको मिले हैं उनको भगवान मिले ही हैं, प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, वेदव्यास को शांति रूप शांति प्राप्त हुई है कृष्ण कथा को लिख करके नारद जी की कृपा से, भक्ति ज्ञान वैराग्य को नारद जी की कृपा से जो है शांति प्राप्त हुई है, पुनः अपना जीवन प्राप्त हुआ है, पुनः नवयौवन प्राप्त हुआ है। तो नारदो देव दर्शन, नारद जी जिसको मिले हैं उसको भगवान श्री कृष्ण देव का दर्शन होगा ही। तो इसका अर्थ है कि देवगण तथा उनके स्तर के व्यक्ति ही नारद मुनि का दर्शन करते हैं कर सकते हैं, किंतु नारद मुनि कंस के पास गए जिसे देवताओं के स्तर का ना होते हुए भी नारद मुनि ने दर्शन दिए। तो इस प्रकार से नारद जी जिन पे कृपा करते हैं उनको दर्शन देते ही हैं, या जिन जिन भक्तों पर उनको दया आती है और वो चाहते हैं कि इनका भी उद्धार हो जाए। नारद जी क्या है, संत हैं, और संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय नवनीत के समान होता है। निस्संदेह कंस ने तो कृष्ण के भी दर्शन किए, फिर नारद मुनि का कहना ही क्या। साधारणतया भगवान एवं उनके भक्तों का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होनी आवश्यक है, अन्यथा वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। सीधी सी बात है, उस समय कितने बड़े बड़े दैत्य राक्षस दुष्ट प्रकृति के लोग थे, कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, बाणासुर, दुर्योधन, धृतराष्ट्र,
ये सब कितने दुष्ट प्रकृति के लोग थे, इन सब ने कृष्ण को कितनी ही बार देखा था अपने जीवन में, लेकिन फिर भी जानते नहीं थे कि कृष्ण क्या है। तो केवल देख लेने से तो कुछ नहीं होता, जब तक कृष्ण को जानेंगे नहीं। मान लीजिए आप जानते नहीं है कि जो है क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी मान लीजिए आपके निकट से निकल भी जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते नहीं कि प्रधानमंत्री है। आप माने, आप सोचेंगे कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति है, दाढ़ी वाला बाबा जी निकल गया पास में से। लेकिन जब आपको पता चलेगा ओ ये तो प्रधानमंत्री है, तब ना आप उनके प्रति जो है थोड़ा सा आदर सत्कार दिखाएंगे, उनको थोड़ा जय श्री कृष्ण, थोड़ा हरे कृष्ण, थोड़ा दंडवत प्रणाम ऐसा कुछ बोलेंगे, उनको जानेंगे तभी तो ना कि वो कौन है, महिमा जानेंगे तभी तो ना। इसी प्रकार से कंस, दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध, इन सबके सामने कृष्ण उपस्थित थे उस समय। दुर्योधन, शिशुपाल, शकुनी, इन सबके सामने कृष्ण वहां उपस्थित थे उस समय में, लेकिन कृष्ण की महिमा न जानने के कारण वो लोग कृष्ण को समझ नहीं पाए। कृष्ण को वो अपने ही जैसा हाथ दो पैर आंख नाक कान वाला साधारण मनुष्य समझते रह गए, गफलत में रह गए। और गफलत में नहीं रहना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए, गफलत में नहीं रहना चाहिए। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये भगवान हैं, और भगवान से ही बैर करके जो है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि यहां पर जो तथ्य मिल रहा है हमको समझने के लिए वो यही है कि कृष्ण को जानना आवश्यक है। और ये जो हम रोज करते हैं भागवतम सुनना, कृष्ण कथा सुनना, ये क्यों है? कृष्ण को जानने के लिए। तो अब कभी कृष्ण यदि प्रसन्न होकर हमारे सामने आ भी जाए तो हम समझ जाएंगे, ओ हमने भागवतम में सुना था, कृष्ण कथा में सुना था कृष्ण ऐसे हैं। कल क्या चर्चा हुई थी? वज्रांकुश ध्वज सरोवर उह लांछनाढ्यम, भगवान के चरण कैसे हैं, उनमें ये चार पांच चिन्ह होते हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो अगर कोई कहे कि भगवान को हम कैसे पहचाने, हमारे सामने आ जाएंगे तो ये भगवान के चरणों में ये चिन्ह होते हैं सारे। कहने का जो तात्पर्य है, साधारणतया भगवान एवं उनके भक्तों का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होनी आवश्यक है, अन्यथा वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। तो हम जिन लोगों की चर्चा अभी की है, कंस, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्त, दुर्योधन, बाणासुर, इन लोगों के पास शुद्ध दृष्टि नहीं थी, क्योंकि इन्होंने कृष्ण के विषय में जाना ही नहीं था। हम क्या कर रहे हैं? रोज कृष्ण के विषय में जान रहे हैं, तो धीरे 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 हमको भी वो शुद्ध दृष्टि प्राप्त होगी और हमको भी कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। किंतु यह भी सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त के संपर्क होने पर एक इंद्रियातीत लाभ होता है, जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। तो हम ये रोज जो करते हैं शुद्ध भक्त से संपर्क, कैसे? भागवतम के माध्यम से। भागवतम हम सुनते हैं रोज, नित्य ही भगवान की कथा को अपने कर्ण रंध्रों से अंदर उतारते हैं, तो हमें एक दूसरे का यानी कि भक्तों का, वैष्णवों का सानिध्य प्राप्त होता है, जो कि हम शब्दों में नहीं बोल सकते, इंद्रियातीत होता है। इंद्रियों से जो सुख मिलता है उससे कहीं बढ़ के ही सुख होता है, वैष्णवों की संगति का सुख। और उससे जो फल मिलता है उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। और जब ये अज्ञात सुकृति जगती है, जागृत होती है, तो निश्चित ही आपको भगवान का दर्शन, भगवत दर्शन प्राप्त होता है। तो जिसे यह लाभ होता है वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, फिर भी वह प्रभु के भक्त के दर्शन मात्र से प्रगति करता है। नारद मुनि का ध्येय कार्य को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना था। देखिए अभी हम वही चर्चा कर रहे थे, नारद जी क्या सोच रहे, भगवान तो वृंदावन में लीलाएं किए जा रहे हैं सुंदर सुंदर, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस अभी और बैठे हैं, वहां तो कुछ ही 10-15-20-25 को ही मारा है, अभी तो लाइन लगी हुई है पूरी। तो भगवान के भक्त है नारद जी, और भगवान के भक्त होने के नाते भगवान की लीलाओं को सुंदर ढंग से पूर्ण करवाने का जो है दायित्व नारद जी के ऊपर है।
तो श्री कृष्ण असुरों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे और कंस असुरों में प्रमुख था। कंस को तो मारना बहुत आवश्यक है भगवान इसी के लिए, मतलब एक ये भी ध्येय होता है भगवान के आने का, मुख्य ध्येय ये नहीं है कि भगवान सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। नारद मुनि घटनाओं की गति में तीव्रता लाना चाहते थे, इसी उद्देश्य से वे समस्त वास्तविक वृत्तांत के साथ कंस के पास गए। नारद जी ने कंस को बताया वसुदेव जी का आठवां पुत्र तुम्हें मारेगा, और इस प्रकार से उन्होंने वही सब बताया जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो नारद मुनि ने से यह वृत्तांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी धारदार तलवार निकाल ली और इस कपट के लिए वह वसुदेव जी को मारने के लिए तत्पर हो गया, किंतु नारद मुनि ने उन्हें शांत किया। तुम्हें मारने वाले वसुदेव जी नहीं है, फिर उन्हें मारने को क्यों आतुर हो? अच्छा यह होगा कि तुम कृष्ण और बलराम की हत्या करने का प्रयास करो। तो वही नारद जी ने सारा सुझाव दिया कि मेला का आयोजन करो, बुलाओ सारे बच्चों को और फिर हाथी से कुचलवा के मरवा देना इस प्रकार से। तो उसलिए कंस को बहुत क्रोध आया था कि मेरे से झूठ बोला, तो उसने क्या किया, फिर से वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया। पहले छोड़ दिया था कृपा करके कि चलो कोई बात नहीं, अब तो कोई संतान नहीं है मेरे भाई मेरी बहन और बहनोई के पास, इसलिए इनको छोड़ देते हैं, है ना। तो अब जो है कंस ने केशी नाम का राक्षस भेजा है। वास्तव में कंस ने केशी को वृंदावन इसलिए भेजा था कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों उसका उद्धार हो और इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर ले। आगे की जो कथा है उस पर हम कल चर्चा करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप उपस्थित वैष्णवों में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, केवल 2.5 मिनट का समय हमारे पास है। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। नंदकिशोरी माता जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं माता जी, अभी तो हम सुन ही मैं सुन ही रही हूँ माता जी। अच्छा। अभी तो इसके विषय में तो नहीं उतना हमको जानकारी है, सुन रही हूँ तो जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो क्लास डेली दिन हो रहा है ना माता जी? जी 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 रोज होता है। प्रभु जी, माता जी अभी तो प्रश्न नहीं है क्योंकि अभी नहीं रोज सुन पा रहे हैं। ओ अच्छा, तो रोज तुम आप सुनेंगे? ठीक है, रोज तो नहीं है। ठीक है हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।